हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है चाइल्ड वर्ल्ड बच्चों की दुनिया में। और आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान बायोलॉजी। आज हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी का जन्मदाता किसे कहते हैं और जीव विज्ञान में बायोलॉजी में कुछ शाखाएं हैं उनको भी जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा जीव विज्ञान बायोलॉजी, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जीवित प्राणी का अध्ययन किया जाता है जीवधारियों का। सेकेंड पॉइंट में बायोलॉजी, बायो का अर्थ है जीवन, जैसे कि यहाँ पे बायो है BIO, बायो का अर्थ होता है जीवन, लाइफ। और लोगोस, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, स्टडी, यानी कि जीवन का अध्ययन को ही हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, अर्थात जीवन के अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। थर्ड पॉइंट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क, जो फ्रांस के एक वैज्ञानिक है, और ट्रेवी रेनस, जो जर्मनी के हैं, नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। देखते हैं जीव विज्ञान की कुछ शाखाएँ, कौन कौन से शाखाएँ हैं उसको देखेंगे और जानेंगे। देखिए एपिकल्चर, इसमें मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। सेकेंड सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन का अध्ययन होता है। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, पीसी मछली का पीस करते हैं तो पीसी कल्चर। माइकोलॉजी में आपको कवक का अध्ययन किया जाता है। उसी का इधर नीचे देखिएगा फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी में फूलों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन। ऑर्थियोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन। अब यहाँ देखिए पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन था, लेकिन ये है मछलियों का अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी मतलब कि झाड़, मतलब कि वृक्षों इत्यादि झाड़ियों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन। सोरोलॉजी में आप छिपकलियों का अध्ययन। सिल्वी कल्चर में आप काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। हॉर्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान। फ्लोरिकल्चर में फूलों का खेती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।